अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल द ग्रेट सूफी सेंट्स। व्यूअर्स, दिस शॉर्ट वीडियो इज़ अबाउट द पोएट्री ऑफ बाबा भोले शाह रहमतुल्लाह अलैह। द मैसेज ऑफ हिज पोएट्री इज़ ट्रू मैसेज ऑफ इस्लाम। द लव फॉर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम हिज वर्सेस। ऐसे भोले शाह की शख्सियत के भी फेजेस हैं। तो बाबा भोले शाह की अगर आप शायरी की परतें देखिए तो उसमें इंसान से प्यार है, उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। मीम दोले वस्तानी मेरा ढोलन माई। एक रांझा मैनो लोड़े दा कुन फया कुनो अगे दिया लगिया कुन फया कुनो अगे दिया लगिया न्योना लगड़ा चोरी दा न्योना लगड़ा चोरी दा एक रांझा मैनू लोड़ी दा अहद अहमद विच फर्क ना भुलिया अहद अहमद विच फर्क ना भुलिया रत्ती कुपेत मरोड़ी दा रत्ती कुपेत मरोड़ी दा एक रांझा मैनू लोड़ी दा एक रांझा मैनू लोड़ी दा। व्यूअर्स, द अदर फीचर्स ऑफ हिज पोएट्री आर एक्सप्लेन्ड बाय करंट स्कॉलर्स ऑफ आवर टाइम इन दीज वर्ड्स। भोले शाह का एक बड़ी मशहूर उनकी काफ़ी के आखिरी लाइनें हैं जिसका आखिरी मिसरा जो है वो इस तरह है कि तैनु काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। अब देखिए कि इस मिसरे को आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। मसलन एक तो आप यही पढ़ सकते हैं कि तैनु काफर काफर आख दे, यानी लोग तुम्हें बार बार काफर कह रहे हैं, तुम पे तोहमत लगा रहे हैं। एक इसका शेड ये है कि तैनु काफर एक पॉज दीजिए फिर उसके बाद काफर आख दे तू आखो आखो आख। यानी अब देखें कि कोई लफ्ज़ नहीं बदला, मिसरे की साख में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक स्ट्रेस और पॉज देने से उसके मानवीयत में कितना फ़र्क पड़ गया। तो ये कोई आम आदमी या कोई आम शायर का काम नहीं है, ये एक बड़ा शायर इस तरह की बात सोच सकता है और इस तरह का मिसरा बना सकता है। पहला सबसे दर्स तो यही देते हैं, जैसे उनकी वो एक काफ़ी है, करकत्तण वल ध्यान कुड़े करकत्तण वल ध्यान कुड़े। यानी इसमें जो तमसीली अंदाज है ना कि एक लड़की को मुखातब करके कह रहे हैं कि तू कातने की तरफ ध्यान कर, कि यानी कातना उस ज़माने में चरखा चूँकि मरकज़ी एक इंस्ट्रूमेंट था, लोग इसी से कपड़े तक पहुँचते थे, कपड़ा बुनने तक। पहले रुई से वो सूत बनता, सूत से फिर आगे कपड़ा बनता, तो लिहाजा चरखा हर घर में होता था और काटा जाता था। इसलिए भोले शाह ने चरखे की अलामत को लेकर और जो बच्चियाँ उनको काटती थीं बाकायदा तौर पर, उन बच्चियों को अलामत बनाकर बच्ची को इंसान की अलामत बनाया, चरखे को अमल की अलामत बनाया कि इंसान अमल करेगा तब उसको अल्लाह की तरफ से कुछ मिलेगा।